एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गिगल्स बाय मीनाक्षी। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे की पिन्नी बच्चों के लिए। ये लड्डूज बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बच्चे भी इन्हें बहुत पसंद करेंगे। सो चलो आइए स्टार्ट करें। ये है मेरे इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिया है 1 कप आटा, 1/2 कप मैंने बूरा चीनी ली है जिसे पाउडर्ड शुगर बोलते हैं, और 1/2 कप देसी घी लूंगी। ये 15 से 20 आलमंड्स हैं और 15 से 20 ये काजू हैं। और अब मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैं सबसे पहले घी डालूंगी और उसको फुल फ्लेम पे हीट करने दें। सो जब घी पूरा हीट हो गया है उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स डालें। हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा फ्राई करेंगे, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो देसी घी में आप इसे अच्छे से फ्राई करें ताकि और हेल्दी हो और बच्चों के वेट गेन में हेल्प करें। तो ये फ्राई हो गए हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स को अब आप निकाल दीजिए और साइड पे प्लेट पे आप रख सकते हैं ठंडा होने के लिए। सो अब इसी घी में मैं आटा डालूंगी। सो मीडियम फ्लेम कर दें, लो से मीडियम फ्लेम ही रखें। और इसको अब आप आटे को आपने पकाना है, रोस्ट करना है घी में। सो कंटिन्यूसली स्टर करना है, ये याद रखें ताकि जो आटा है वो नीचे ना लगे। तो लो फ्लेम ही रखें और कंटिन्यूसली बस स्टर करते रहें। ये बहुत ही टेस्टी पिन्नीज बनती हैं और बच्चे इन्हें बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं और ये बच्चों के वेट गेन में भी हेल्प करेगी। अब आप देख सकते हैं कि लाइट ब्राउन कलर हो गया है। 15 से 20 मिनट लगेंगे आटे को रोस्ट करने में। तो अब आप गैस बंद कर दीजिए और किसी बोल में या खुली परात में ट्रांसफ़र करें ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए ये आटा जो रोस्ट किया है मैंने। थोड़ा सा इसे कूल डाउन होने दें, ज़्यादा नहीं। और ड्राई फ्रूट्स ये जो ठंडे हो गए हैं मैंने, अब इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी, इसका पाउडर बनाऊँगी। तो ये पिन्नीज आप बच्चों को इवनिंग स्नैक में दीजिए, मॉर्निंग में दीजिए, दूध के साथ बहुत ही हेल्दी है। सो ड्राई फ्रूट्स अब ये पाउडर्ड हो गए हैं सारे, तो अब इन्हें ही मैं उसी में ही ऐड करूँगी। पाउडर इसीलिए किए हैं ताकि बच्चे इजीली खुश होकर खा सके। आप साल या 2 साल के बच्चे को भी ये पिन्नीज खिला सकते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनती हैं। और अब मैंने पाउडर्ड शुगर भी इसमें ऐड करी है और अब एक अच्छा सा मिक्स दूंगी। तो मिक्स देने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, मतलब जितना आप हाथ से इजीली उसको होल्ड कर सके, पिन्नीज को पकड़ सके और उसकी पिन्नीज बना सके। तो अब थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने एक टीस्पून मिक्सचर लिया है और उसको दोनों हाथों में ऐसे बॉल की शेप में बनाकर बाउंस कर रही हूँ दोनों हैंड्स में ताकि राउंड प्रॉपर शेप ले। और ऐसे फिंगर्स के अराउंड भी इसको बाउंस कीजिए, इससे प्रॉपर राउंड शेप आपकी आ जाएगी पिन्नीस की। तो ऐसे ही मैं बाकी की पिन्नीस बनाऊंगी जो मिक्सचर मेरा है। तो लगभग 20 से 25 पिन्नीस बनी थी इसकी। सो ये मैं अब रेडी कर रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये पिन्नीस। आप बड़े भी खा सकते हैं बच्चों के साथ। तो ट्राई करें फिर एक बार ये लाजवाब पिन्नीस और मुझे बताएं कि ये पिन्नीस आपको कैसी लगी। आप भी इसे खाएं, बच्चों को खिलाएं, दूध के साथ लीजिए या शाम को एज ए इवनिंग स्नैक लें, बहुत ही टेस्टी है। सो चलो मैं ट्राई करती हूँ अब अपने बेबी के साथ, तो लेट्स सी उसको कैसी लगी है। टेस्ट करो कैसी बनी है, टेस्टी बोलो फिर, टेस्टी। मेरे बेबी को तो बहुत पसंद आई है ये पिन्नीस। सो चलो आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो लाइक एक बनता है और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। टेक केयर, बाय।